लाखों लोगों की दुआ है रंग लाई, मदद में उठे हाथों ने आशा जगाई। टीरा को जिंदगी की उम्मीद नजर आई। अब 16 करोड़ का टीका लाना है, 5 महीने की बच्ची को इंजेक्शन लगवाना है। इस जंग में जिंदगी को हर हाल में जिताना है, टीरा को बचाना है। इस बच्ची की आंखों की चमक और चेहरे की ये मुस्कान देखकर कौन कहेगा कि ये मासूम मौत से लड़ रही है। इस बच्ची से मिलिए, नाम है टीरा कामत और उम्र केवल 5 महीने। ऊपर वाले ने टीरा को जिंदगी तो बख्शी, लेकिन सांसों का बक्सा छोटा दिया। हर गुजरता दिन इस बच्ची की सांसों को कम कर रहा है। अगर वक्त पर इलाज नहीं मिला तो ये बच्ची अपना दूसरा जन्मदिन नहीं देख पाएगी। ये बच्ची फिलहाल मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, डॉक्टरों की देखरेख के बावजूद, बच्ची को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये एक असाधारण बीमारी है, इतनी असाधारण कि पूरी दुनिया में 10,000 में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है। जिस खतरनाक बीमारी ने टीरा को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उसके केवल 3 इलाज हैं और तीनों ही इलाज भारत में नहीं होते। और जो इलाज है वो इतना महंगा है कि आम आदमी की तो छोड़िए, अच्छे अच्छे कमाने खाने वालों को भी पसीना आ जाए। आज हम आपको टीरा की पूरी कहानी बताएंगे, उस बीमारी के बारे में बताएंगे जिससे टीरा पीड़ित है, उस इलाज के बारे में बताएंगे जो टीरा को चाहिए, साथ ही जानकारी देंगे कैसे टीरा की मदद के लिए लाखों हाथ उठे हैं, कैसे पीएम की दरिया दिली ने टीरा को जिंदगी की नई उम्मीद दे दी है। टीरा के पास है केवल 13 महीने। अमेरिका से आना है जिंदगी देने वाला इंजेक्शन। टीरा की जिंदगी के लिए सोशल मीडिया पर चली मुहिम, मासूम के लिए अनजान लोगों ने दिए करोड़ों रुपए। पीएम मोदी ने भी दिखाई दरिया दिली। 5 महीने की मासूम सी बच्ची टीरा कामत मुंबई के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, लेकिन उसके माता पिता उसकी जिंदगी बचाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल टीरा को SMA टाइप 1 बीमारी है और जोलगेंसमा नाम के इंजेक्शन की उसे जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के कारण इंजेक्शन नहीं लगने पर बच्ची की जिंदगी सिर्फ 18 महीने तक ही बच सकती है। टीरा की उम्र 5 महीने है, मतलब ये कि इंजेक्शन नहीं लगने की सूरत में टीरा के पास केवल 13 महीने की ही जिंदगी बची है। जब टीरा के माता पिता को इस बीमारी के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, नाउम्मीदी के भंवर ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बच्ची को बचाने की मुहिम में जुट गए। 13 जनवरी को टीरा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, तभी से टीरा डॉक्टरों की देखरेख में है। एक तो असाधारण बीमारी और उस पर इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत टीरा के माता पिता के लिए दोहरी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब नाउम्मीदी के बादल छंटते दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। लोगों की दुआएं और मदद ने टीरा और उसके परिवार को इस जंग को लड़ने की ताकत दे दी है और अब पीएम मोदी की दरियादिली ने टीरा के परिवार के हौसले को और बढ़ा दिया है। दरअसल टीरा को जिस इंजेक्शन की दरकार है उसकी कीमत हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। टीरा की कहानी में आगे बढ़े उससे पहले इंजेक्शन के गणित को समझ लेते हैं। टीरा को जोलगेंसमा इंजेक्शन लगना है, जेनेटिक बीमारी में लगता है ये इंजेक्शन। टीके की कीमत 16 करोड़ रुपए है, टैक्स जोड़कर टीका 22 करोड़ का बैठता है। टीरा और उसके परिवार की दिक्कत यहीं से शुरू हुई, कहां से आएंगे इतने पैसे, कैसे होगा बिटिया का इलाज, इसी फिक्र में पूरा परिवार घुला जा रहा था। लेकिन हार नहीं मानी टीरा के माता पिता ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, टीरा की जिंदगी के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को इस असाधारण बीमारी के बारे में बताया, इलाज और उसके खर्च के बारे में बताया, मदद की गुहार लगाई। टीरा के माता पिता की ये मुहिम रंग लाने लगी, धीरे धीरे मदद के लिए हाथ आगे आने लगे। टीरा के माता पिता की इस मुहिम के बारे में जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पता लगा तो वो भी मदद की इस मुहिम में जुट गए। देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में फडणवीस ने केंद्र से इंजेक्शन पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी और GST माफ करने की अपील की।
टीरा के माता पिता ने मदद जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर पेज बनाया और क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। उनकी ये मुहिम रंग लाने लगी और उनकी अपील पीएम मोदी के कानों तक भी पहुंची। टीरा के माता पिता को बड़ी खुशखबरी मिली और टीरा की जिंदगी के लिए नई उम्मीद जाग उठी। अब जानिए जिस इंजेक्शन की दरकार टीरा को है उसके लिए पैसों की शक्ल में कितनी मदद मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग से करीब 10 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। पीएम मोदी ने 6.5 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया है। इंजेक्शन पर कर माफी और अनजान लोगों की मदद टीरा के माता पिता के लिए रेगिस्तान में फूल खिलने के बराबर है। कर माफी की सूचना तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट के जरिए साझा की। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट में लिखा, मुंबई की टीरा कामत की जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन के इम्पोर्ट पर करीब 6.5 करोड़ रुपए की टैक्स माफी के लिए मानवतावादी और अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सच्चे दिल से आभार। मैं टीरा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस टैक्स माफी की शक्ल में पीएम मोदी की दरिया दिली और क्राउड फंडिंग के जरिए टीरा के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत का इंतजाम हो चुका है। यहां आपको बता दें कि विदेश से आने वाली करोड़ों की दवा पर 35% टैक्स लगता है। टीरा के माता पिता मेहर और प्रियंका ने सोशल मीडिया पर अपील में लिखा था कि दवाओं पर 23% इम्पोर्ट ड्यूटी और 12% GST लगता है, जो इलाज के खर्च को और बढ़ा देता है। उन्होंने लिखा था कि दवा को भारत लाने में काफी सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसमें करीब 1 महीने का वक्त लग जाता है। इन सब के बीच टीरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। लोगों की मदद और पीएम मोदी की पहल पर टैक्स माफी के बाद टीरा की जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन के लिए बड़ी रकम का इंतजाम हो चुका है। अब बस ये दुआ है कि जल्द से जल्द इंजेक्शन के जरिए टीरा का इलाज शुरू हो और उसकी मुस्कुराहट घर में हमेशा खुशियां बिखेरती रहे। खतरनाक जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है टीरा। दूध पीने में भी होती है टीरा को दिक्कत। टीरा का एक फेफड़ा खराब हो चुका है। मासूम की मौत से जंग। 5 महीने पहले जब टीरा का जन्म हुआ तो खुशियां घर में कुलाचे भरने लगी। तब परिवार को नहीं मालूम था कि उनकी खुशियों पर जल्द ही ग्रहण लगने वाला है। जन्म के कुछ समय बाद टीरा को मां का दूध पीने में दिक्कत होने लगी। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे इस खतरनाक बीमारी SMA टाइप 1 से पीड़ित बताया। उसे 13 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धीरे धीरे उसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। टीरा के माता पिता को जब ये पता चला कि उनकी बेटी कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद को संभालते हुए उन्होंने बच्ची की जिंदगी बचाने की जंग जारी रखी। अब आपको बताते हैं SMA टाइप 1 बीमारी के बारे में जिससे टीरा पीड़ित है। SMA मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। SMA शरीर में SMN1 जीन की कमी से होती है। इससे सीने की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को होती है। दिक्कत बढ़ने के साथ मरीज की मौत हो जाती है। ब्रिटेन में ये बीमारी ज्यादा है। ब्रिटेन में करीब 60 बच्चे हर साल ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें ये बीमारी है। ये मांसपेशियों को खराब कर देने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। अगर इलाज ना मिले तो बच्चों के 2 साल के होने से पहले ही उनकी मौत होने की आशंका बनी रहती है। ये बीमारी बच्चों के शारीरिक तंत्र को इस कदर कमजोर कर देती है कि उन्हें दूध पीने तक में दिक्कत होने लगती है, दम घुटने लगता है और बेचैनी होने लगती है। अब इस बीमारी के लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं। पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, स्तनपान करने में और सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चों को हिलने डुलने में भी परेशानी होती है। टीरा को जिस SMA बीमारी ने जकड़ा है वो न केवल असाधारण है बल्कि इलाज भी उसका महंगा है। इतना महंगा कि साधारण परिवार तो अपने बूते इसका खर्च भी नहीं उठा सकता। चलिए आपको बताते हैं SMA का इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है। SMA का इलाज हर जगह उपलब्ध नहीं है, हर जगह इसका इंजेक्शन नहीं बनता। ब्रिटेन में इस रोग से ज्यादा पीड़ित बच्चे हैं, लेकिन वहां इसकी दवा नहीं बनती। ब्रिटेन में इस इंजेक्शन को इलाज के लिए अमेरिका, जर्मनी और जापान से मंगाया जाता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को यह इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। जोलग्रेस्मॉन 3 जीन थेरेपी में से एक है जिसे यूरोप में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकर आप तीरा और उसके माता पिता की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। 3 साल पहले तक इस बीमारी का इलाज भी संभव नहीं था, लेकिन 2017 में काफी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद सफलता मिली और इंजेक्शन का उत्पादन शुरू किया गया। साल 2017 में 15 बच्चों को ये दवा दी गई थी। दुआ कीजिए तीरा को जल्द दवा मिले और उसको तकलीफ से मुक्ति मिले। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।